एसडी एजुकेशन सोसाइटी की एक अहम बैठक आज हुई जिसमें बड़ी संख्या में मेंबर्स ने भाग लिया। कल होने वाले इलेक्शंस को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। मेंबर्स का कहना है कि जब तक कोर्ट में पेंडिंग केसों का रिजल्ट ना आ जाए तब तक सोसाइटी का इलेक्शन ना किया जाए। मेंबर्स का कहना है कि यदि कोर्ट का फैसला होने से पहले इलेक्शन करवाए गए तो वे इसका बहिष्कार करेंगे। ये एसडी एजुकेशन सोसाइटी के मेंबर्स हैं और एसडी एजुकेशन सोसाइटी का इलेक्शन कल होने वाला है, लेकिन हाई कोर्ट के अंदर ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी एक केस पेंडिंग है जिसमें 93 मेंबर्स का क्वेश्चन है और सेशन कोर्ट में 100 मेंबर जिन्होंने गलत तरीके से बनाए थे, जो अभी फिलहाल जो पावर में है इन्होंने गलत तरीके से बनाए थे, उनका केस भी पेंडिंग है और फैसला रिजर्व है, किसी वक्त भी फैसला आ सकता है। तो हमारा ये कहना है कि जब तक दोनों कोर्टों से फैसला ना आए, जब तक इलेक्शन ना हो, और दूसरे डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार से भी हमने रिक्वेस्ट की है कि जो ये 4-5 आदमी अपने चहेतों को, अपने रिश्तेदारों को इस सोसाइटी के अंदर गलत तरीके से मेंबर बनाते हैं और जो मेंबर बनाते हैं उस पर कोरे कागज़ पर साइन करवाते हैं और जो इनकी हामहानी मिलाता 5 आदमियों की उसको निकाल देते हैं। 18 मेंबर इन्होंने निकाल दिए, उनमें से कुछ मेंबर यहाँ पर मौजूद हैं, जैसे काकू बंसल है, प्रहलाद बंसल है, ईश्वर गोयल है, ईश्वर अग्रवाल, राकेश है। तो आप क्या है हिसाब से, आपके कहने के हिसाब से कितने मेंबर हैं टोटल और कितने इन्होंने? 200 मेंबर थे, 200 ही रहने चाहिए। अगर मेंबर बढ़ाने हैं तो जनरल हाउस के अंदर उसकी मंजूरी होनी चाहिए और अगर हाउस मंजूरी करता है तो वो जनरल पब्लिक में से सभी में जो इच्छुक है उसको मेंबर बनाना चाहिए। ये नहीं है कि भी 5 आदमी लेकर और सारी सोसाइटी पर कब्जा कर ले, यह अनैतिक भी है और इलीगल भी है। उसका कल का जो चुनाव बता रहे हैं आप हैं, तो आप उस लोगों को शामिल हो गए, उसका बहिष्कार करोगे, कैसे करोगे? अगर ये कोर्ट का फैसला आने से पहले अगर ये इलेक्शन करवाते हैं तो हम लोग इलेक्शन का बहिष्कार करेंगे। ठीक। राकेश कुमार पिल्लू, राकेश कुमार सिंगलू पिल्लू। पिल्लू जी, आप भी उसमें सोसाइटी में सदस्य थे, अब बताया गया तो आपको कैसे निकाला गया? ऐसा ही, हमने पिछले इलेक्शन में कुछ आदमियों ने इलेक्शन लड़ा था, हमने उनकी खुल के सपोर्ट की थी, इसलिए इन्होंने हमारे को इस कमेटी से निकाल दिया। सपोर्ट की थी आप बता रहे हैं, तो निकाल कैसे दिया? सपोर्ट की थी ना पिछले इलेक्शन में, साइन करा रखे उन्होंने पहले हमारे, जब हमको मेंबर बनाया था उस टाइम ब्लाइन कागज पे साइन करा के रखे हुए थे और उनका मिस यूज किया। तो साइन करने से पहले ब्लैंक कागज पे आपने पूछा नहीं उनसे? ब्लैंक कागज ऐसा है जी, जब आदमी को गुड फेथ होता है तो कुछ नहीं पूछता, वो अंधा हो जाता है। नहीं, ये कहा ना कुछ फॉर्मेलिटी थे, तो आपको क्यों निकाल दिया गया, क्या वजह थी? इसकी वजह ये थी जी कि हमने इनके खिलाफ इलेक्शन लड़ा था और जो हमारे साथ लगे हुए थे साथी हमारे, उनको भी इन्होंने मेंबरशिप से हटा दिया। उसकी हटाने का कारण, हमने तो कोई रिजाइन नहीं दिया, लेकिन इन्होंने जब मेंबर हमें बनाए थे तो कुछ लोगों से साइन करा लिए थे प्लेन पेपर पे, ये कहकर के इसमें कुछ और फॉर्मेलिटी बाकी है उसको पूरा करने के लिए हम ये साइन करा रहे हैं, लेकिन इन्होंने उसको हमारा रिजाइन दिखाकर 420 की है जिसका हम विरोध करते हैं और इनको ऐसा काम, ये पानीपत के इतिहास में आज तक ऐसा काम नहीं हुआ है। बताइए, तक पानीपत के इतिहास में सोसाइटी में किसी ने धोखे से रिजाइन नहीं दिया, रिजाइन नहीं दिया किसी ने, और इन्होंने धोखे से रिजाइन लिख के और आदमी जो इनके मन चमचे नहीं थे उनको निकाल दिया, जो इनके खिलाफ थे, जो खिलाफ तो थे। जैसे कल चुनाव बता रहे हैं कि होने जा रहे हैं, उस तरह में आप क्या विरोध करें उसके में? हमको तो बाहर ही निकल, जो बोलने वाले थे उनको इन्होंने पहले ही बाहर कर दिया। ठीक है, कितने सदस्य आप बाहर? ये 18 आदमी बाहर हैं।